आप भदोही जिला के निवासी हैं और भदोही जिला सबसे छोटा जिला है उत्तर प्रदेश का, इसका विकास नहीं हो पा रहा है, क्या कारण है? धन्यवाद मिश्रा जी। भदोही वर्तमान में देखा जाए तो यह एक शापित इलाका, शापित जनपद होके ही रह गया है। उसका कारण यह है कि अनादिकाल से भदोही काशी का अभिन्न अंग रहा है। राजा काशी नरेश के जमाने में वहाँ वो जनपद हुआ करता था, भदोही, बनारस और चंदौली, ये तीनों जो है बनारस का ही अंग रहा है अनादिकाल से लेते हुए आज तक का। अब वर्तमान में जो है 1994 में तत्कालीन सरकार ने जो है जनपद बनाया, 1997 में जो है मायावती गवर्नमेंट आई जिसका मंडल बदल दिया, मिर्जापुर विंध्याचल मंडल के नाम से गठन करके भदोही को विंध्याचल मंडल में शामिल कर दिया गया। अब स्थिति यहाँ तक हो गई कि बनारस जनपद के अंतर्गत, बनारस मंडल के अंतर्गत जो है चार जनपद आ गया, बनारस हो गया, चंदौली हो गया, गाजीपुर हो गया, जौनपुर हो गया। इन चार जनपदों का तो विकास हुआ लेकिन भदोही हमारा साथी जनपद होके ही साबित रह गया। उसका कारण यह है कि यहाँ हमारे भदोही में चंबल की डकैत के रूप में आती है जो है वहाँ सांसद बन जाती है, बलिया से लोग आकर के वहाँ सांसद बन जाते हैं। हमारे यहाँ के जनपद के जो भी जनप्रतिनिधि अब तक आए हैं आयातित जनप्रतिनिधि, उन्होंने केवल अपनी तिजोरी भरी है विकास योजनाओं के नाम पे, घोटाले किए हैं, घपले किए हैं। और रही बात बनारस को, भदोही को बनारस मंडल में शामिल करने के बाद इसकी आवाज में लोक दल के बैनर तले बसपा गवर्नमेंट से लेते हुए सपा गवर्नमेंट तक और अब वर्तमान में भाजपा गवर्नमेंट, ये तीनों गवर्नमेंट के समक्ष मैं उठाता रहा हूँ। और हमारा मानना यही है कि भदोही का तभी विकास होगा जब भदोही बना।